आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन एक्सलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री एंड बेस्ट पार्ट इज बिना एग्जाम दिए. यस, सही सुना आपने, विदाउट अपीयरिंग इन एन एग्जाम. हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी. अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना है, यू कांट स्किप दिस वीडियो. रादर यू विल हैव टू लिसन इट 2-3 times टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं बना रहा. दिस आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस. आई हैव ए वेरी वेरी यूनिक वर्क एक्सपीरियंस. फर्स्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकेंड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, एंड थर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, दैट इज यस बैंक. आई हैव वर्कड एट जूनियर मैनेजमेंट लेवल, मिडिल मैनेजमेंट लेवल एंड एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल. पे अटेंशन, बिकॉज हियर वी टॉक मोस्टली अबाउट द जॉब इन गवर्नमेंट्स. इन पब्लिक सेक्टर बैंक, देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द जॉब ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक आर डिफरेंट एंड हाउ दे आर सिमिलर. पहले बात करते हैं सैलरी की. पब्लिक सेक्टर बैंक में आपकी शुरुआत, अगर आप क्लर्कल ग्रेड में जाते हैं तो मान लीजिए 50,000 rupees की सैलरी आपको आती है. प्राइवेट सेक्टर बैंक में स्टार्टिंग सैलरी में भी 25,000-30,000 rupees. आप टॉप क्लास एमबीए हो तो आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी स्टार्टिंग सैलरी 2,00,000 rupees महीना हो सकती है. रेंज बहुत वेरी करती है, और रेंज वेरी करती है सीनियर लेवल पे. अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में सीएमडी भी बन जाएंगे टॉप लेवल, तो आपकी जो मंथली सैलरी होगी 4,00,000-5,00,000, और प्राइवेट सेक्टर में वो 40,00,000-50,00,000. जी हाँ, मैं मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ, एंड दीज आर पब्लिक फिगर्स, सैलरीज ऑफ सीईओज ऑफ टॉप बैंक्स इन इंडिया, 5-10 crore. बात कर लेते हैं वर्क प्रेशर की. प्राइवेट सेक्टर में वर्क प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव. नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है. फिर यहाँ पर भी सीनियर लेवल और जूनियर लेवल में डिफरेंस है. गवर्नमेंट सेक्टर की अगर आप बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी कहाँ पर पोस्टिंग है. फॉर एग्जांपल बैंक में अगर आपकी ब्रांच में पोस्टिंग है, तो आपको ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स प्रेशर रहेगा. लेकिन अगर आप रीजनल ऑफिस में बैठे हैं और आपका बॉस 9 बजे तक बैठता है, तो शायद आपको भी बैठना पड़ेगा. व्हेन इट कम्स टू द सीनियर लेवल, इट इज अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी. चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं. मोर इम्पॉर्टेंट इज वॉट यू आर डिलीवरिंग, और वो प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रोफाइल में हैं. पॉइंट ये है कि जूनियर लेवल पे आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा वर्क प्रेशर लगेगा, लेकिन सीनियर लेवल पे गवर्नमेंट में बहुत बार ब्यूरोक्रेसी भी प्रेशर बढ़ा देती है, चाहे वो प्रेशर वर्क का ना हो, बाकी चीजों का हो जाए. सीनियर लेवल पे मैं बोलूंगा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. कई बार ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ योर ह्यूज एक्सपर्टाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक में, आपको लगे यहाँ कम प्रेशर है. आई फेल्ट लेस प्रेशर व्हेन आई वाज इन प्राइवेट जॉब, बिकॉज द जॉब वाज वेरी स्पेशलाइज्ड, जॉब वाज मच मोर डिफाइंड. लेट्स टॉक अबाउट द वर्क प्रोफाइल. प्राइवेट सेक्टर बैंकों में डिपार्टमेंट वाइज होता है, जैसे ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट विच इज मोस्टली रिलेटेड विद द लायबिलिटी साइड, जो ब्रांच में कस्टमर हैंडलिंग कर रहे हैं या जो डिपॉजिट ला रहे हैं. और दूसरी ओर लोन साइड में कैसे होता है, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ. पहले रिटेल का एक टीम होगी, रिटेल बैंकिंग, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, एसएमई बैंकिंग, फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग, लार्ज कॉर्पोरेट, स्मॉल कॉर्पोरेट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अलग टीम हो सकती है. उसके अलावा रूरल एग्री फाइनेंस की अलग टीम हो जाती है, फिर ट्रांजेक्शन बैंकिंग की अलग टीम है, और बहुत बड़ी टीम होती है ऑपरेशंस की. फ्रंट एंड ऑपरेशंस हैं, बैक एंड ऑपरेशंस हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है बैंकिंग सेक्टर में. किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में 15-20 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें से 8-10 डिपार्टमेंट जो मैंने भी आपको बताए वो बड़े डिपार्टमेंट होते हैं. आपका पूरा करियर मोस्टली इन्हीं डिपार्टमेंट में चलता रहता है. वेरी डिफरेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक. मोस्टली व्हेन यू ज्वाइन एज ए पीओ, आप जर्नलिस्ट होते हो, आप ब्रांच बैंकिंग में भी हो सकते हो, आप रिटेल पोर्टफोलियो भी कर रहे हो सकते हो, आप एसएमई में, लार्ज कॉर्पोरेट में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, फॉरेक्स में, बैक एंड ऑपरेशंस में, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है. रूरल ब्रांच भी हो सकती है और फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांच भी हो सकती है. इनफैक्ट आपकी फॉरेन पोस्टिंग भी हो सकती है. आपका प्रोफाइल बहुत वाइड है अगर हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक की. जो लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, वो भी कुछ समय बाद जर्नलिस्ट की साइड में आते हैं. नॉर्मली स्केल 4 दैट इज चीफ मैनेजर और एजीएम लेवल स्केल 5 होता है. उसके बाद ये लोग नॉर्मली जर्नलिस्ट की साइड में आने लगते हैं, बट कई बार वो अपने
डिपार्टमेंट में भी रहते हैं और आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी चेंज होती है, आपके जो ट्रांसफर्स होते रहते हैं प्रमोशन के साथ साथ, वो भी एक रेगुलर फीचर है। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप एक ही जगह एक ही ऑफिस में बैठ के 5 साल 10 साल 15 साल अपना पूरा करियर भी निकाल सकते हैं। हाँ, प्रमोशन होने के साथ साथ हो सकता है आपको रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस की ओर को मूव करना पड़ेगा। आजकल प्राइवेट सेक्टर बैंक फ्लेक्सिबल भी होने लग गए हैं, स्पेशली एट सीनियर लेवल पे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो किसी भी जगह से बैठ के काम कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम रिमोट का कल्चर बढ़ता जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट एंगल होगा रिस्क की बात करने का। पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकारी नौकरी, देखिए आपकी एक बार जॉब लग गई तो काम ना करने के लिए जॉब जाने के चांसेस तो बहुत बहुत रेयर होते। काम ना करने का मतलब ये तो आप नहीं बोलेंगे ना कि मैं ऑफिस में आ गया और मैं कुछ काम नहीं करूंगा। कोरा में कई लोगों ने लिखा है कि बहुत वर्क प्रेशर बढ़ गया है बैंकों में। आई आस्क वन क्वेश्चन टू देम, टेल मी हाउ मेनी पीपल गेट फायर्ड बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर। पब्लिक सेक्टर में यू डोंट हैव फियर ऑफ लूजिंग ए जॉब unless you are really non performer, don't listen to your bosses, you don't want to work। private sector बैंकों में आपकी जॉब जा सकती है, but यहाँ पर भी आप याद रखिए, हर अच्छे organization अच्छे लोगों से बनती है। अच्छे लोग मतलब those who contribute for building the organization। private sector bank में भी आप अगर मेहनत कर रहे हैं अपनी, उसके बाद भी टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, there are genuine reason and these are big organization। when I talk about banking system, क्योंकि वहां पर जो रिक्रूटमेंट होता है चाहे वो प्राइवेट बैंक भी हो, बहुत केयरफुली किया जाता है। ए जॉब ऑफ ए बैंकर इज ए वेरी रेस्पॉन्सिबल जॉब। अगर आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निकालने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिंपली 1 महीने के जो भी आपका नोटिस पीरियड है या 3 महीने के नोटिस पीरियड पे निकाला जा सकता है। वो पब्लिक सेक्टर जैसी सिक्योर जॉब नहीं है। आप में टैलेंट है, आपको एक दूसरी तीसरी जॉब मिल जाएंगी। अगला पॉइंट बात करते हैं प्रमोशंस की। पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रमोशंस होता है सीनियरिटी एंड परफॉर्मेंस, दोनों चीजें हैं। आपके 2 साल या 5 साल कंप्लीट होने पे आपको नेक्स्ट राउंड के लिए रिटन एग्जाम देना होता है, फिर इंटरव्यू देना होता है। इसमें आपकी परफॉर्मेंस के मार्क्स बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में इट इज परफॉर्मेंस 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 वही काउंट करती है। बहुत बार आप देखेंगे कि काफी जूनियर बंदा अपनी परफॉर्मेंस के दम पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। ब्यूरोक्रेसी, आप बोलेंगे ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत सारी जॉब में एंड स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में आधा फ्रस्ट्रेशन तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर है। मतलब इतने सारे सिस्टम प्रोसेस बने हुए, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है कुछ काम करने में कि सिस्टम में फाइल खिसकाने में, सिस्टम में काम को निकालना एक काम हो जाता है। हाँ, ये पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा होता है। उसका रीजन है बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक आर सब्जेक्ट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। RTI के अंदर कोई भी आदमी पब्लिक का उनसे कुछ पूछ सकता है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों से नहीं पूछ सकता, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है। रिसेंटली चंदा खोचर वाला केस सुन रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ऑल्सो लायबल टू लॉट ऑफ स्क्रूटनी बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज बिकॉज दे हैव पब्लिक मनी, दे हैव मच मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ फिट बैठता हूँ, मेरी स्किल सेट ऐसी है, मेरे लिए सेल्स अच्छा रहेगा या ऑपरेशंस, मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, सैलरी थोड़ा कम भी चलेगी, मैं इंडिया में कहीं भी काम करने को तैयार हूँ, फॉरेन भी चला जाऊंगा लेकिन सैलरी और ग्रोथ ज्यादा चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, मेरे से क्वांट का एग्जाम ना निकलेगा, व्हाट शैल आई डू। पहला पॉइंट, यू शैल डू व्हाट यू लाइक। कैरियर एक लंबी जर्नी है, इफ यू एंजॉय योर जॉब यू वोंट हैव टू वर्क एनी डे इन योर लाइफ। सेकेंडली, जो आपके पास ऑप्शन है, करना चाहते हो लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, आज के टाइम में आपके पास पहले से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। मैं जिस जॉब की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, एंड द जॉब इज नॉट ऑफ सेल्स। बहुत लोगों को सेल्स नहीं पसंद है, वैसे पर्सनली मेरा कैरियर एक्सपीरियंस रहा है, अमेजिंग कैरियर कैन बी बिल्ट ऑन सेल्स। अगर आप में टैलेंट है जरूर जाना, बट यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, दैट इज ए जॉब विच इज प्राइमरली ऑफ ऑपरेशंस, जो बहुत सारे लोगों की फेवरेट है कि आपको बैंक ब्रांच से बाहर नहीं जाना है, फील्ड में नहीं जाना है, सेल्स का प्रेशर नहीं है। आई कैन टॉक ए लॉट अबाउट इट, इसमें कौन से लोग फिट बैठेंगे, किस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, प्लीज ज्वाइन द सेशन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और सबसे अच्छी बात यह है, जो लोग इसमें फिट बैठेंगे 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा। यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द बैंकिंग करियर, प्लीज ज्वाइन द सेशन बाई रजिस्ट्रेशन। सी यू देयर।